ये वीडियो जो है मैंने लिंक्डइन लर्निंग से निकाला है, क्योंकि इस टाइम मेरे मेरे लैपटॉप के अंदर शेयरिंग का ऑप्शन ठीक से काम नहीं कर रहा था, और मुझे क्योंकि आपको दिखाना भी था तो मैं आपको इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड कर लिया। तो आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद हम कहीं पे से शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और यहाँ से हम उसे कहीं शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि हम कैसे नाम रख सकते हैं, उसको कहीं पे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे कोई प्रोटोटाइप पब्लिश करना है तो मैं यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे उसका टाइटल लिख दूंगा, उसमें अलाउ कमेंट्स कर देंगे तो सामने वाला उसमें कमेंट्स भी अलाउ कर सकता है, और उसके बाद अगर कोई पासवर्ड देने की जरूरत है तो पासवर्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक पब्लिक लिंक एक प्राइवेट लिंक। तो पहले पब्लिक लिंक देख लेते हैं। तो जब पब्लिक लिंक पे करेंगे और इस तरह से पब्लिश कर देंगे तो ये देखिए पब्लिश होता हुआ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, किस तरीके से पब्लिश होना यहाँ पे शुरू हो गया है, ठीक है। तो ऐसे पब्लिश होता रहेगा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 100% हो जाएगा ये यहाँ पे क्विकली एकदम से, ठीक है। जब ये एकदम हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से उसको देख लेंगे। तो ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एडोब एक्सडी का लिंक आ गया है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये देखिए ये अब मेरा प्रोटोटाइप का लिंक हो गया है, यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी वैसे ही चल रही है जैसे हमने बनाई हुई है, ठीक है। बैक करेंगे वापस आ जाएंगे, और इसके अलावा फुल स्क्रीन देखना हो तो फुल स्क्रीन देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं और अगर मुझे कोई अलग अलग आर्ट बोर्ड्स देखने, तो नीचे से आर्ट बोर्ड स्विच भी कर सकते हैं, हर आर्ट बोर्ड का अपना लिंक अलग होता है, ठीक है। अगर प्राइवेट लिंक करेंगे तो प्राइवेट लिंक भी कर सकते हैं। प्राइवेट लिंक पे क्या होता है कि हर बंदा फिर उसको नहीं देखेगा, जिसको मैं शेयर करूंगा सिर्फ वो ही देख सकता है उसको, कोई और दूसरा बंदा उसको नहीं देख सकता। तो दोनों में ही बस इतना ही डिफरेंस है। तो मैंने ये किसी का नाम लिखा और उसकी ईमेल आईडी डाल दी, और वो ईमेल आईडी पे यहाँ पे मैसेज भेज दिया कि हाँ भाई ये मैसेज है, यहाँ पे मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करें और आपका ये प्रोटोटाइप चल पड़ेगा। जब यहाँ कर दिया तो इस बंदे की ईमेल आईडी पे देखो यहाँ पे आ गया लिंक, है ना। तो यहाँ पे जब व्यू प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे हम तो ये यहाँ पे ऐसे चलने लगेगा, ठीक है दोस्तों।